हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में पंचायती राज के बारे में और यहाँ पर क्या है कि झारखंड पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ, झारखंड पंचायती राज को मंजूरी कौन प्रदान किए, झारखंड में पंचायती राज कितने स्तर का है और त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को अभी कुछ जानकारी जो है उसको देखेंगे और समझेंगे। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे और झारखंड के एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये पूरी जानकारी जो है उसको याद रखना है। तो यहाँ झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कैसे है, क्या है और इसको कब पारित किया गया था, ये सारी चीज़ों को अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा में झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 पेश किया। विधानसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति या मंजूरी के लिए भेजा गया। तो दोस्तों, झारखंड का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ पर झारखंड सरकार ने झारखंड की विधानसभा में झारखंड में झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 को पेश किया और झारखंड की विधानसभा से पारित होने के बाद में इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति या मंजूरी के लिए भेजा गया और यहाँ पर 23 अप्रैल 2001 को इस विधेयक को राज्यपाल प्रभात कुमार ने अपनी मंजूरी या स्वीकृति प्रदान की। तो दोस्तों, जैसे ही इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया तो उस समय जो तत्कालीन सबसे पहले जो झारखंड के राज्यपाल रहे थे वह प्रभात कुमार, तो उन्होंने अपनी मंजूरी इस विधेयक को प्रदान कर दी और वह जो डेट था वह था 23 अप्रैल 2001। तो यह हमारा झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 जो है उसको प्रभात कुमार यानी कि उस समय के राज्यपाल जो थे उन्होंने 23 अप्रैल 2001 को इस विधेयक को अपनी तरफ से मंजूरी प्रदान की और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक यानी कि बिल झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बन गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही राज्यपाल के द्वारा यह मंजूरी दे दिया गया तब जाके यह जो विधेयक है यानी कि जो बिल है वह अब एक्ट बन गया और वह जो एक्ट है वह क्या हुआ, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 हो गया। तो झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 बन गया। तो आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह है कि यह जो पेश किया गया था वह झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 था और इसको 23 अप्रैल 2001 को यह मंजूरी प्रदान किया गया, उसके बाद में यह झारखंड पंचायती राज अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो याद रखना है और साथ साथ में किसने इसको मंजूरी प्रदान किए थे, तो उस समय जो सबसे पहले राज्यपाल बने थे प्रभात कुमार, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उन्होंने ही इस विधेयक को बिल बना दिया यानी कि अपनी स्वीकृति देने के बाद में। और दोस्तों, इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई और जैसे ही यह अधिनियम बन गया यानी कि एक्ट बन गया तब झारखंड में त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर के पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर आप जानेंगे कि यह जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होता है उसमें आपको ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर यह पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई यानी कि व्यवस्था हो गई जैसे ही राज्यपाल प्रभात कुमार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ पर जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, प्रखंड स्तर पर आपका पंचायत समिति होगा और साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था होगी। और इसमें से है कि इसमें जो है एकदम कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग यानी कि समाज के जो है निम्न वर्ग या कमज़ोर वर्ग से लेकर के ऊपर तक के जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनकी सबकी सहभागिता भागीदारी होती है और साथ ही साथ में महिलाओं को भी इस पंचायती राज व्यवस्था में उनको भी सत्ता में आने के लिए जो उनकी जो भागीदारी होती है उनको भी सुनिश्चित की गई है। और यहाँ पर इस प्रकार से सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र का विकास के लिए भी पर्याप्त मौके मिलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था में ही होता है। तो आपको ये याद रखना है 3 स्तरीय में कौन कौन से आते हैं, साथ साथ इसको पंचायती राज विधेयक से एक्ट कैसे बन गया और इसको स्वीकृति प्रदान कौन किए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो याद कर लेंगे।